કેમ છો? ઝટપટ ફૂડ વિથ કશિશમાં હું આવી ગઈ છું તમારી સાથે. અને આજે કયું રેસ્ટોરન્ટ છે? ગ્વાલિયા એસબીઆર, સિંધુ ભવન રોડ પર આવેલું ગ્વાલિયા રેસ્ટોરન્ટ, કે જ્યાં તમને મસ્ત મસ્ત સ્ટાર્ટર્સ એવા બતાવીશ ને આજે. તમને લાગશે કે યાર અહીંયા તો આવવું જ પડે. અને યાર એકચ્યુઅલી અલગ અલગ ક્યુઝિનના સ્ટાર્ટર તમે ટેસ્ટ કરો એટલે તમને એમ થાય કે યાર આમ અલગ અલગ વેરાયટી તમને મળે. એક જ જગ્યાએ તમને વેરાયટી મળતી હોય તો તમને એમ થાય કે અહીંયા તો બધાને ફાવે, લાઈક એલ્ડર્સને ફાવે, બાળકોને ફાવે, વચ્ચે જે મિડલ એજના હોય એને ફાવે, યંગસ્ટર્સ હોય, બધાને ફાવે. તો પછી કેમ ના આવે? અહીંયા સૂપથી લઈને ડેઝર્ટ સુધી બધું જ મળે છે. હવે એમાં આપણે મેઇન આજે સ્ટાર્ટર પર ફોકસ કરીને કંઈક જોરદાર બનાવીએ. ચલો આપણે ગ્વાલિયરના લાઈવ કિચનમાં આવી ગયા છીએ. અને આપણી સાથે શેફ સાગર છે કે જે અપનું સ્ટાર્ટર્સ આપણને બનાવીને ખવડાવવાના છે, તમને શીખવાડવાના છે. હું ખાવાની છું. શેફ, સબસે પહેલે કોનસી રેસીપી બનાવીએ? મિની મેક ટાકો સેલ બનાવવાનો પહેલો. કોણ સા? ટાકોસ? ટાકો સેલ, મિની ટાકો સેલ. મિની ટાકો સેલ, ઓકે, નાઇસ. ઓ, મેક્સિકન સેલ મતલબ મેક્સિકન. ચલો શરૂઆત કરે. ઓકે મેમ, હવે મેક્સિકનથી શરૂઆત. अब आपको गरम करना है. इसके बाद फ्राई पैन थोड़ा गरम कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं. तो इसमें पहले डालने वाला हूँ गार्लिक. गार्लिक हाफ टेबल स्पून. थोड़ा ब्राउन अभी इसमें थोड़ा बहुत दिया. अभी इसमें ऑनियन चॉप, एक टेबल स्पून ऑनियन चॉप. फिर इसमें डालूंगा एक टेबल स्पून बेल पेपर. इसको सौते करना है ना? हाँ, इसको थोड़ा सौते करना है. स्मेल तो बढ़िया आ रही है. इसको सौते हो गया अभी. अभी इसमें मैं स्वीट कॉर्न, जो अमेरिकन कॉर्न, ये डेढ़ टेबल स्पून डालना है. फिर अपना किचनी बीन्स जो डालना है, बॉयल है ना? बॉयल है, सब बॉयल है. ये भी दो टेबल स्पून डालने वाले डाल दो. મેક્સિકન રેસીપી હોય એટલે રાજમા મોસ્ટ ઓફ હોય જ છે. મતલબ મેક્સિકન ઓર રાજમા કા ક્યા કનેક્શન હે? હોતા હે ના મોસ્ટ ઓફ. હા, મેક્સિકન મેન વેજી રાજમા હે. ઓકે, ગેસ તો બંધ કર લઉં. ચાલે નહીં, ચાલ થોડા ટેસ્ટ દેજો. ટેસ્ટ થોડા સા બ્લેક પણ ડાલો. અબ ઇસમે ટોમેટો સોસ દે દેજો. ઓકે, યે સોસ કેસે બના? ટોમેટો સોસ. ટોમેટો સોસ. इसमें कुछ और भी डाला होगा? प्रॉपर ओनली टोमेटो सॉस नहीं लगा? नहीं, इसमें टोमेटो नहीं, रेगुलर तो ऑनियन गार्लिक के सॉस. थोड़ा स्पाइसी टाइप बना. हाँ, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो केचप. हाँ हाँ, लगे मैक्सिकन तड़को. कैप्सिको सॉस ऐड करना होगा. कैप्सिको सॉस, यस. और हल्का सा मैरी टू. ओके,
টমেটো কেচাপ बटर थोड़ा सा समथिंग बटर इसके लिए दे दे तो कभी चले एवरीवन लव्स लिटिल बिट ऑफ बटर और ये अपना मैक्सिकन मसाला सीजनिंग जो हम लोग हाथ से ही बनाते हैं अच्छा स्पेशल स्पेशली ये थोड़ा सा ड्राई टाइप का रहेगा अपना सेल पे वो गीला रहेगा तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा इसलिए थोड़ा ड्राई टाइप का रहेगा इसको ठीक है मैडम मैं अपना मसाला तैयार है अभी इसको मैं कवर सेट करने वाला हूँ ओके सर चलो तो हमें टैकोस रेडी करवाना है कोल्सलो डालने वाला इसमें ये कोल्सलो क्या है इसमें मेयोनीज से अपना जो कोल्सलो आइस बर है कुकुम्बर है टोमेटो से उससे थोड़ा ये पूरा कोल्सलो को पूरा रेसिपी आती है ना जो सैंडविच में हां यस मैम उस टाइप के कोल्सलो आमा कुकुम्बर छे कोबी छे टोमेटो छे कभी नहीं मतलब आइस बर है ओके कोल्सलो में आइस बर हम लोग टैकोस का देना पे कैबेज का देना आइस बर यूज किया स्पाइसी हो गया बस अभी फिर मैं यहाँ पे मैं चीज पीसने वाला हूँ चीज डालना सालसा एंड सावर क्रीम डालना है सालसा सालसा सॉस सावर क्रीम सावर क्रीम सावर क्रीम ये कैसे बनता है ये अपना क्रीम थोड़ा हैंकर दही हैंकर से और नमक ब्लैक पेपर फसल ये थोड़ा खट्टा रहता है हाँ सावर क्रीम सावर मतलब खट्टा है तो सावर क्रीम इसमें अभी हल्का सा चीज डाल रहे हल्का एकदम पतला से जो देखो सुन गाने से अच्छा लगे ये अपना सलाद है कोल्सलो को जो डाला था उसमें सलाद है आइस बर बेल पेपर वही है हाँ ये क्या है ये आइस बर जो अपना लेटुस बोलता है हाँ जो लेटुस बोलता है यस वही है तो इसमें थोड़ा मैं गाने से थोड़ा पसली लगा था और इसमें मैं रखो थोड़ा सा धनिया डाल देता हूँ गाने से एक एक टमाटर डाल दीजिए बस मैम अपना रेडी हो गया मिनी टैकोस सेल मैक्सिकन मिनी टैकोस ये लीजिए मैम मैक्सिकन मिनी टैकोस सेल टेस्ट कीजिए मैम बहुत मस्त लगे ना प्रॉपर मैक्सिकन ऑथेंटिक टैकोस मैं आई थिंक एक्चुअली तो मैं टैकोस नहीं बताया तो मुझे टैकोस नहीं ले लो
स्पाइसी एंड स्वीट नो कॉम्बिनेशन है, ऊपर खट्टू खट्टू स्वीट। तो आ टाकोस तमने खबर है 18th सेंचुरी थी आ टाकोस फेमस थया खावाना चालू करवामां आव्या एंड अमेरिका में सौथी फेमस थया, बट बेसिकली एन ओरिजिन मेक्सिको थी छे। मेक्सिको में आ टाकोस एक्चुअली कॉर्न टॉर्टिला जो स्पाइसी फीलिंग वाला आता था एमा आता था, बेसिकली आ त्यार थी स्ट्रीट फूड अमेरिकन्स नू कम्फर्ट फूड एटले टाकोस। मेक्सिको में स्ट्रीट फूड प्लस त्याना जे मजूरो हता ने आ खाईने पेट भरता, ये लग्जूरियस भाव में मळे। एंड आ टोमेटो ने चीज तमे जो छो ने, એ ટોમેટોને ચીઝ બેઝિકલી એ ટાઈમે ટાકોઝમાં હતા જ નહીં, એ રેસીપી ચેન્જ થઈ થઈ ઇવોલ્વ થઈ થઈને આવી છે। મેક્સિકોમાં કંઈક અલગ બનતી હતી, અમેરિકામાં આવીને થોડીક અલગ બની, અને ઇન્ડિયામાં આવીને તો ખતમ। ટેસ્ટ કરીએ મેક્સિકન સ્ટ્રીટ ફૂડ અમેરિકનનું કમ્ફર્ટ ફૂડ, કેટલા ખવાય નાઈસ। સ્ટાર્ટિંગમાં જ બધી રો થિંગ્સ છે, લાઈક ચીઝ હોય, કુલસલો હોય, બરાબર, એ બધાનો ટેસ્ટ આપ, પછી ધીરે ધીરે તમે અંદર જાઓ ને, તમને કુક સોસ જે આખો બનાવતો ને એનો ટેસ્ટ આપ, અને પછી તમને આ જે ક્રન્ચી જે છે ને કોર્ન ટોર્ટિલા એનો ટેસ્ટ આપ, એટલે પહેલાં રો, પછી ફૂલ્લી કુક, પછી એકદમ કાચું ટોર્ટિલા। મેક્સિકન્સ ત્યાં ભાવતું હોય તો મતલબ આમ ગજબ જ, એક્ચુઅલી બનાવ્યું બહુ મસ્ત છે। મેં હું ક્યારે આમ ક્યારે જોઉં તો હું ટાકોસ મારી પહેલી પસંદ નહીં રાખતું, આ વોઝ લાઈક યાર ઠીક છે મેક્સિકનની ફેન નથી, પણ એક્ચ્યુઅલી સારું છે યાર, હવે વિચારવું પડશે બીજી વાર, હા ખાઈ શકાય ટાકોસ, બાય નો ચીઅર્સ। इसमें मेरे को डालना है गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक, हाँ इसमें चाहिए तो जितना जल्दी गरम गरम करो तो पूरा मैंने तो मिक्स अच्छा होगा इसके साथ। गार्लिक में कुछ नहीं डाला, सिर्फ नहीं गार्लिक, चिली फ्लेक्स खाया, ठीक है। और इसमें आएगा ओरिगानो, ब्लैक पर अभी इसको मैं मिक्स करना है मेरे को, ये लाइक इसको थोड़ा ब्लैक हो टाइप है, लेकिन ये बड़े बड़े वेजेस बड़े बड़े कट किए हैं। शेफ आप कैसे, वो कहाँ से? मैं कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल, लैंग्वेज से मुझे लगा। चलो इसमें मैं चीज डालना है मेरे को, ग्रेटेड चीज, बहुत फटाफट बन गया। इसको फ्राई फ्राई था ना अपना, फ्राइंग में फ्राई किया मैंने, मतलब आपने कट कर दिए वेजेस फिर सीधा फ्राई कर दिया? नहीं इसमें करना होता है, इसमें चिल्ली फ्लेक्स चारी करो फेटर्स का फ्राई होता है। ओके, तो फ्राइंग में भी कोई ऐसी सिस्टम है कि सीधा आपने डीप फ्राई कर दिया? सीधा डीप फ्राई किया। वैसे क्रंचीनेस कहाँ से आती है? इसमें जो अपना थोड़ा कॉर्नफ्लोर का जो फेटर लगा है इसमें चिल्ली फ्लेक्स चारी करो, हाँ उसका एक कंसर्न रहता है। कौन सा? अभी मैं इसको बेक करना है। बेक करेंगे? यस मैम। हाँ बढ़िया स्मेल आ रही है शेफ, मस्त स्मेल आ रही है। ये बेक होने के बाद इसकी क्रंचीनेस रहती है? हाँ रहेगा। ओके। गरम गरम, हाँ एक्चुअली अच्छा है, यस बहुत गरम है यार। चलो हाँ चलो, अभी अभी इसमें टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे इसमें।
ये क्या है? चिली फ्लेक्स ना? हाँ। ये आप सब मिक्स कर। हाँ। चलो अभी क्या करेंगे? अभी मैं गार्लिक, फ्राई गार्लिक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पर हल्का चारों मिक्स किया। अभी मैं उसके ऊपर से ओके वन मोर स्प्रिंकल। अभी इसमें मैं पार्सली डाल लूँ। A little bit of Italian touch. Okay, ready ho gaya apna dish. Okay. Ye apna tayar ho gaya. Chili chili garlic potato babies. Ma'am, taste kiya. Wow, jo ama upar se ne paste na ki ane obviously Italian seasoning se la proper Italian type na potatoes tayar karya chhe. Crunchy plus baked. Evening snack mate to perfect. Wow. चलो टेस्ट करें। तुम्हें कोई मूवी जोता हो घरे के मैच जोता हो कि तुम्हें पार्टनर साथे घरे डेट जो आयोजन करी हुए आवी रेसिपी ना बहुत मजा आवे खान चटा के दाल टेस्टी चटपटू जो है तो लागे टेस्ट करें जो ये चीजी है सर। ऑब्वियसली मूवी टाइम होए सांजे के या बाड़ों को एम कहता होए तो मम्मी को एक बनाई लेने यार एक ना एक वेफर और बस मजी खाऊ बेस्ट है यार तो बड़ी चीज का एवरीथिंग इज तुम यहीं तो खाई शुरू करो घरे हम से बने खाते ध्यान लू रखो हाँ तुम्हें जरा पोटैटो फ्राई करो तेरे माँ कॉर्नफ्लोर नाखवानो कॉर्नफ्लोर में तुम्हारे इटालियन सीजनिंग नाखी देवानो बिकॉज़ आ थोड़ा इटालियन टाइप बना लाइक चिली फ्लेक्स और ओरेगानो अने कॉर्नफ्लोर मिक्स करी पोटैटो ने एमा नाखी देवानो अने पछी सीधा डीप फ्राई करी देवानो पछी क्रंचीनेस छे ने सी आ क्रंचीनेस आवशे अंदर थी एकदम नरम हशे बाहर थी क्रंची थई जशे बिकॉज़ बेसिकली एज वी नो જો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનાવતા હો એને આખી ક્રંચી કરવી હોય તો તમારે પ્રોપર એકદમ ડીપ ફ્રાય કરવા પડે એના પહેલાં ઘણા રીતે પણ કરે છે કે ફ્રોઝન રાખ્યા હોય અને પછી એને ફ્રાય એકદમ કડક થાય જો તમે પોટેટોઝ ફ્રોઝન નથી રાખ્યા તો આ બેસ્ટ રીત છે કે કોર્નફ્લોર સાથે તમે કરો હા થોડુંક કોર્નફ્લોરને કારણે લોકોને એવું લાગે કે કદાચ સ્વાસ્થ્યને ઉપર નીચે બટ ક્યારેક ચાલે આજે એકદમ ક્રંચી વાળું લોકો ગ્વાલિયરની સ્ટોરી જાણીએ આપણી સાથે એના હેડ શેફ વિશ્વજીત છે વિશ્વજીતજી વેલકમ ટુ ચટપટ ટુડે વિથ કશિશ कब शुरू हुआ ये मैम ये अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ है और तब तक ये चार सालों में पब्लिक का रिस्पांस कैसा है मैम ये चार सालों में बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिपीट गेस्ट आते हैं हाँ क्या बात है जी मैम नाइस और मतलब एम्बियंस भी इतना बढ़िया आपने रखा है कि लोग लंच करने भी आ सकते हैं डिनर करने भी आ सकते हैं एज अ कैफे में भी लाइक इवनिंग में भी आ सकते हैं मैम यहाँ पे आप कभी भी आइए एनी टाइम आपको भरा हुआ मिलेगा गेस्ट इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देके जा रहे हैं खाना खाकर आपको जहाँ पे घूमना है पूरा घूम के खाना खा रहे गेस्ट क्या बात है आपका लाइव काउंटर है लाइव में होता है आपका रेस्टोरेंट है ग्वाल बोग है साइड में वहाँ पे हर जगह हर तरीके का खाना मिलेगा यहाँ पे आपको मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके लिए अवेलेबल है सब कुछ क्या बात है और जैसा गेस्ट आएंगे वैसा हम बना के देते हैं तो चाहे स्पाइसी मीडियम स्पाइसी नो स्पाइसी आपको जो जैसा टेस्ट चाहिए हम वैसे तरीके से बना के दे रहे हैं क्या बात है मतलब इधर आगे मतलब ऐसा ऐसा लगे कि जो चाहिए वो मिल जाए जो चाहिए वो मिल जाएगा आपको और क्यूजिंग मतलब कौन से क्यूजिंग के यहाँ पे क्यूजिंग है अपना जैपनीज क्यूजिंग है इंडियन है पंजाबी है मैक्सिकन है इटालियन है जब चाट है सब मिलेगा आपको गुजराती राजस्थानी ए टू जेड आपको मिलेगा माय गॉड क्या बाकी क्या रहा बाकी कुछ नहीं रहा सब मिल रहा है गजब 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 चलो तो अभी पब्लिक को क्या बोलोगे इधर आने के हम मैं तो बोलूंगा गुजरात जो जो है इंडिया में सब लोग आए यहाँ पे टेस्ट करके जाए हमारा खाना और देख के जाए बस थैंक यू सो वेलकम
फूड इज़ ऑलवेज गुड, आई एम अ रिपीट कस्टमर, मुझे यह बहुत पसंद है एंड आई कम हियर विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ आता हूँ एंड वी मेक श्योर कि हम यहाँ की सारी चीज़ ट्राई करें एंड एवरी थिंग इज़ वेरी गुड. सो बेसिकली यहाँ पर जो बंगाली चीज़ें हैं आई लाइक द मोस्ट बिकॉज आई एम फ्रॉम कैलकटा, सो इट ब्रिंग्स मी बैक माई कैलकटा टेस्ट. सो आपके यहाँ की मिठाइयाँ या आपके यहाँ की जो झालमुड़ी है, दैट इज़ समथिंग वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड इंडियन फूड इज़ ऑलवेज वेरी गुड फॉर मी. हाइजेनिक भी है अने ग्वालिया वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट छे. आ ग्वालिया एसबीआर मां रेस्टोरेंट मां मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर्यु. अहीं वुड फायर पिज़्ज़ा मैं एक बार ट्राई कराया था, ए भी बहुत सरस हता. अने वन ऑफ द फेवरेट मारी जे छे ए पालक कॉर्न कचोरी छे, पछी छोले समोसा चाट छे, ए बधी बहुत सरस छे आइटम अने बहुत मस्त छे एम्बियंस. माय गो टू प्लेस छे वन ऑफ द ग्वालिया एसबीआर. थैंक यू. જો કેટલા બધા ખાઈ ગઈ હું, હજી ખાઈ જ રહી છું. આઈ જસ્ટ લવ ઇટ. ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, પોટેટો વેજીસ, ફરક શું હોય? ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝમાં પોટેટો પતલા હોય, પોટેટો વેજીસમાં પોટેટો ફેટ હોય. મોટું પતલું ક્યાં ફરાય? ચલો હવે હું આ પોટેટો વેજીસ પતાવી રહી છું. આપણે ફરી મળીશું, વિચારતા રહેજો નેક્સ્ટ એપિસોડમાં શું તમને નવું જોવા મળશે, શું શીખવા મળશે. ચર્સ, બાય.